बिहार का बोधगया, ये वो पवित्र धरती है जिसने मानवता को एक नई दिशा दिखाई। 2500 साल से भी पहले एक राजकुमार अपना सिंहासन छोड़कर सत्य की खोज में निकला और उसे सत्य का ज्ञान हुआ यहाँ इस शहर में इस विशाल बोधि वृक्ष के नीचे, और वो बन गए भगवान बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। और आज बुद्धिज्म के इस केंद्र पर पहुंचने वाले हैं 2 लाख से ज्यादा मॉन्क्स, तिब्बतन बुद्धिस्ट और टूरिस्ट, और वो यहाँ मनाने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्धिस्ट कैलेंडर, जिसे कहते हैं काल चक्र। तो पेश है अपने आप में अनोखी द मेगा किचन एट द काल चक्र 2017। संस्कृत शब्द काल चक्र का मतलब है समय का चक्र। ये वो चक्र है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना अंत। तिब्बती बुद्धिज्म में काल चक्र उत्सव उस तांत्रिक साधना का एडवांस्ड लेवल है जो निर्वाण पाने में मदद करता है। माना जाता है कि खुद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को काल चक्र की शिक्षा दी। लेकिन कभी ये रस्म गुप्त हुआ करती थी जिसमें सिर्फ मंक्स ही शामिल होते थे, लेकिन 18th सेंचुरी में इसमें बदलाव आया जब 7th दलाई लामा ने काल चक्र में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत दी। काल चक्र उत्सव में दुनिया भर से तिब्बती बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं और इस मेगा इवेंट की तैयारी भी महीनों पहले शुरू हो जाती है। और श्रद्धालुओं के लिए बुद्धिज्म के केंद्र बोध गया में काल चक्र होना कुछ ज्यादा ही खास होता है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया भर से 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और बोध गया की सड़कों, ट्रेन स्टेशंस, होटल्स और बाजारों में खूब चहल पहल है। काल चक्र का विशाल मैदान 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा में फैला है। यहाँ बनाया जाएगा एक बड़ा पंडाल जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ बैठ सके। साथ ही बनाया जाएगा एक स्टेज जिस पर दलाई लामा और दूसरे बड़े मंक्स विराजेंगे। स्टेज पर होगा थेक्कू, यानी एक खास एनक्लोजर जहां रहस्यमयी सैंड मंडाला बनाया जाएगा। इस मेगा टेंट को खड़ा करने में 75 दिन लगेंगे। इसे फिर सैकड़ों थंका स्क्रोल से सजाया जाएगा जो ध्यान के समय साधकों को देवताओं की मौजूदगी का एहसास कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्सव के दौरान खास तौर पर पूरे बिहार से 4000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल तैनात किए हैं। काल चक्र ऑर्गेनाइज करना डिपेंड करता है आपकी पिछली जिंदगी और पिछले कर्म पर, सब तरह के कर्म पर। रास्ता कॉन्शियंस से ही गुजरता है और यह बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये जितना क्लियर होगा उतना ही ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा। पहली बार काल चक्र कमेटी ने फैसला किया है कि दिन में 3 बार स्पेशल बटर चाय और बैलब ब्रेड सर्व की जाएगी, सिर्फ मंक्स को ही नहीं बल्कि उत्सव में शामिल सभी लोगों को।
काल चक्र के आखिरी दिन रोस्टेड बार्ली फ्लावर से बनी सेरिल और मीठे चावल यानी ड्रेसल सर्व किए जाएंगे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ये मेन्यू सर्व करना एक मेगा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। मेन कालचक्र हॉल के पास ही 3 मेगा किचन्स तैयार की जा रही हैं और ये किचन्स 30,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में हैं। 2 किचन्स में तो सिर्फ तिब्बती ब्रेड यानी बालप ही बनाई जाएगी। हर किचन में आटा गूंदने के 8 वर्क स्टेशन हैं और बालप सेकने के लिए 12 लकड़ी की भट्टियाँ। कालचक्र टेंट के पास वाली तीसरी किचन में अलग अलग साइजेस के 7 कड़ाहे हैं, जिनमें बनाई जाएगी सॉल्टी बटरी तिब्बती चाय। लेकिन इन किचन्स को चलाए रखने में सबसे बड़ा चैलेंज है पानी। अगर इन्हें रोजाना 75,000 लीटर पानी की सप्लाई नहीं मिली तो काम रुक जाएगा। और इस मौके पर हरकत में आते हैं गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पानी की प्रतिदिन आवश्यकता इनके किचन में लगभग 75,000 लीटर की होगी और 25,000 लीटर 3 बार इनको आवश्यकता होगी, और इसको किसी भी तरीके से स्थानीय स्तर पर किसी बोरिंग के माध्यम से पूरा करना संभव नहीं था, न ही इसको टैंकर के माध्यम से दिया जाना संभव था। कालचक्र मैदान से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर है 11 लाख लीटर का वाटर टैंक, जो म्यूनिसिपल वाटर प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जिस पर काम चल रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने टैंक से किचन तक 450 मीटर की एक डायरेक्ट पाइपलाइन बिछाई है। हम लोग के यहाँ एक जलापूर्ति योजना का प्रोजेक्ट चल रहा था और काफी नजदीक में एक टंकी का निर्माण काफी एडवांस स्टेज में था। तुरंत ही हम लोगों ने सरकार के स्तर से बात करके उसमें सप्लाई की व्यवस्था की गई और आज के दिन में उस किचन में उसी से पानी की सप्लाई हो रही है। चक्र का आज पहला दिन है। मेडिटेशन हॉल की तरफ बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माहौल में उत्साह है। सड़क किनारे मंक्स के ग्रुप्स नाचते गाते अपने स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा की अगवानी कर रहे हैं। दलाई लामा के पहुंचते ही भीड़ में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। अंदर आने के बाद दलाई लामा उस जगह को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर शुरू होती हैं धार्मिक और आध्यात्मिक रस्में। और मेडिटेशन हॉल की तरह ही अब किचन्स भी हरकत में आ गई हैं। लोहे के विशाल कड़ाहों को अच्छे से साफ किया जाता है। जल्दी ही उनमें हॉट बटरी तिब्बती चाय उबलने लगेगी। कालचक्र किचन्स के इंचार्ज हैं 50 साल के लोपसांग सोनम, जो आया लामा या बड़े मंक के नाम से मशहूर हैं। उनके दुलार भरे हाव भाव में तजुर्बे का खजाना छुपा है। ये वही हैं जिन्होंने पिछले 2 कालचक्र उत्सवों में खाना परोसने को बखूबी अंजाम दिया। चाय बनाने के लिए हमारा बड़ा आदमी है। चाय के लिए दूध एक दिन में 12,000 लीटर हमारे छत एक दिन में तीन बार बनाने के लिए सुबह 11 बजे और 3 बजे 3 बजे चाय मीठा और सुबह दिन को दे हमारा टिबेट चाय नमक वाला ये वही ये दोनों को चाय मिठाई चाय में दूध थोड़ा ज्यादा जाता है 6,000 मिठाई चाय में रखते। तिब्बती बटर चाय या पोशा बनाने की प्रोसेस देखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन इस पैमाने पर ये बेशक कुछ अलग है। पहले 2500 लीटर पानी 4500 लीटर के कड़ाहे में डालकर उबाला जाता है। 1000 पैकेट दूध लाकर चाय बनाने के इस बड़े बर्तन में डाले जाते हैं।
अभी भी थोड़ा टाइम है इसमें उमलने के लिए, तो जैसे ही उमल जाएंगे तो इसमें हम घी ऐड करेंगे, उसके बाद पत्ती, और इसको थोड़ा शेक करेंगे, फिर गुरुजी नमक डालेंगे इसमें, तो कितना नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद अंदर से जब आदेश आएगा कि चाय भेजो तो भेजना शुरू हो जाएगा, फिर हर कोई डालेंगे चाय। जनवरी की सर्दी में बटर की टिक्कियां बिना रेफ्रिजरेशन के भी सख्त हैं। इसके बाद इसमें 60 किलो पिघला बटर डाला जाता है। बटर सॉल्टी तो है, पर इस रेसिपी के हिसाब से उतना सॉल्टी नहीं, इसीलिए हर बड़े कड़ाहे में 5-5 किलो नमक और डाला जाता है। आखिर में पानी, दूध और बटर के उबलते घोल में रात भर भिगोकर रखी गई स्पेशल तिब्बती चाय डाली जाती है। ये मंक्स नई सोच के हैं, इसीलिए यहाँ स्पेशली अडेप्टेड पावर ड्रिल्स को स्टिक ब्लेंडर्स की तरह इस्तेमाल करके बटर और नमक को अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद चाय तैयार है, उतने ही अनूठे तरीके से सर्व किए जाने के लिए जितने अनूठे तरीके से ये बनाई गई। अंदर प्रार्थनाएं और मंत्र जाप चल रहा है, जल्द ही डिवोटीज तक उनके नरिशमेंट की पहली चीज पहुँचेगी। इंडिया की तमाम मोनेस्ट्रीज से आए वॉलंटियर मंक्स अब किचन में पहुंचकर लाइन बनाकर तसल्ली से इंतजार करते हैं। कड़ाहों से चाय वॉलंटियर्स की केटल्स में पंप की जाती है। एल्यूमिनियम की 600 केटल्स थामे 600 मंक्स, ये सच में एक फौज ही तो है। चाय भरवा कर मंक्स गेट पर जमा होकर इशारे का इंतजार करते हैं। जल्द ही सब्र का बांध टूटता है और एक मरून रंग का सैलाब जोश के साथ कालचक्र टेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। इन गर्म केटल्स में चाय को संभालते हुए गलियारों में दौड़ लगाते वॉलंटियर्स के सामने होता है एक चैलेंज, चाय को गर्मा गर्म सर्व करना। हर वॉलंटियर 200 से ज्यादा कप चाय बांटता है। मिनट से भी कम समय में चाय की ये दौड़ पूरी हो जाती है। ये सॉल्टी बटरी चाय ठीक वैसी ही है जैसे मंक्स अपनी बॉडीज में गर्मी और ताजगी लाने के लिए सर्द तिब्बत में पीते थे। की अवस्था में पहुंचने के लिए घंटों साधना करने वाले मंक्स का ये पसंदीदा ड्रिंक है। कालचक्र किचन अब अपने अगले बड़े काम के लिए तैयार होती है, जो है करीब 30 लाख बैलप्स यानी तिब्बती फ्लैट ब्रेड बनाना, जो 12 दिन तक श्रद्धालुओं को ताकत देगी। जनवरी की सर्द सुबह के 2 बजे हैं। ईस्टर्न इंडिया में सुस्ताई से बोधगया टाउन में चहल पहल दिखाई देने लगी है। दूध के 24,000 पैकेट से लदे ट्रक्स मेगा किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉलंटियर्स और मंक्स अपनी नजरों के सामने ट्रक्स को अनलोड करवाकर सप्लाई का हिसाब रखते हैं। ये है किचन बौद्धों के विशाल उत्सव कालचक्र की। यहाँ हर रोज 12,000 लीटर दूध की खपत होती है। 12 दिन पूरे होने तक आया लामा की टीम करीब 1,50,000 लीटर दूध इस्तेमाल कर चुकी होगी।
सर्दियों के दिन है और सूरज निकल आया है। इसके साथ ही भीड़ भरी सड़कों पर अनुयायी निकल पड़े हैं। महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स के आसपास एक शोरगुल भरा बाजार लगा है। यहाँ प्रेयर बुक्स, प्रेयर व्हील्स और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट बीड्स या मनके बिक रहे हैं। ये है बोधगया के महाबोधि ट्री से बने मनकों की माला। हर एक मन का रिप्रेजेंट करता है एक मोमेंट को, जैसे मोमेंट ऑफ टाइम पासिंग, ऑफ प्यूरिफिकेशन। मेरे लिए तो ये माला, जो बहुत ही सिंपल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो मेरे दिल और दिमाग को ट्रांसफॉर्म करती है। बहुत प्रेशियस है। कैथरीन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक योगा प्रैक्टिशनर है और ये उनका तीसरा काल चक्र है। वो यहाँ खास तौर पर परम पावन दलाई लामा की मौजूदगी में रहने आई है। बहुत शानदार इंसान है वो। मेरे हिसाब से तो वो ये बताते हैं कि इंसान क्या कर सकता है इन इज वेरी सिंपल वे। ऑब्वियसली उनको है इमेंस नॉलेज, वो एक कमाल के स्कॉलर हैं और बहुत ही डीप प्रैक्टिशनर भी। लेकिन फंडामेंटली सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज है कि वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ वो कितने काइंड हैं, हर वक्त लोगों के साथ रहना, वो लगातार दूसरों के साथ रहते हैं, उनके दुखों में शामिल रहते हैं, उनकी जॉयफुलनेस, उनकी इंटेंशन कभी डगमगाती नहीं। तिब्बती बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर दलाई लामा तेंजिन क्यात्सो दुनिया भर में तिब्बती बुद्धिज्म की सबसे जानी मानी शख्सियत है। इक्यासी साल के दलाई लामा का ये 34वां काल चक्र है। इससे पहले वो अपने देश तिब्बत में दो काल चक्र उत्सवों की अगुवाई कर चुके हैं। इसके अलावा वो 11 काल चक्र दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में और 21 अपने दूसरे घर भारत में कर चुके हैं, जिनमें बोध गया सबसे ज्यादा 5 काल चक्र का गवाह रहा है। एक ही जगह पर इससे ज्यादा काल चक्र उत्सव और कहीं नहीं हुए। दलाई लामा के लिए काल चक्र का मकसद है दुनिया में शांति का संदेश देना। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया में असली शांति तभी होगी जब अपने अंदर शांति होगी। उसके लिए पैसा नहीं, पावर नहीं, ब्यूटी नहीं, बल्कि दिलों में गर्म जोशी चाहिए, दूसरों के सुख का ख्याल होना चाहिए। जब इस तरह का कंपैशनेट एटीट्यूड, कंपैशनेट माइंड डेवलप होगा तो वही असली सोर्स होगा दुनिया में शांति का। वो पहले दलाई लामा हैं जो वेस्ट गए हैं और उनकी शख्सियत से इम्प्रेस होकर कई लोग बौद्ध अनुयायी बन गए हैं, जैसे हॉलीवुड मेगा स्टार रिचर्ड गेयर। अपने मन में झांक कर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि सोलियन दलाई लामा एक कंप्लीट कमिटमेंट है सेल्फ इंटरेस्ट को मिटा देने के लिए। वो जो भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, लोगों के लिए, गोस्ट्स के लिए, जीव और दूसरे प्लैनेट्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के लिए, उनकी नजर में सब बराबर हैं। रिचर्ड गेयर और दलाई लामा में 30 से ज्यादा सालों से नजदीकी रही है। कई काल चक्रों में शामिल हो चुके गए उनके डिसाइपल्स में सबसे जाने माने हैं। बुद्धिज्म से मेरा पहला सामना हुआ तब मैं शायद 21 या 22 साल का था। 1981 में मैं धर्मशाला गया था, तभी की बात है शायद। मेरी मुलाकात हुई हिज होलीनेस दलाई लामा से और काफी लंबी बात हुई अबाउट एवरीथिंग। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं उनकी सरलता, सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस को मैं बस देखता ही रह गया था। उनकी कंफ्यूज्ड नौजवान के परसेप्शंस में गहराई से झांकने की एबिलिटी। दलाई लामा दिन की शुरुआत थेकपू में बैठकर मंडाला के पास प्रार्थना से करते हैं।
कालचक्र की रस्में शुरू करते हुए नामग्याल मोनेस्ट्रीज के मंक्स पहले अर्थ डांस करते हैं। अर्थ स्पिरिट तेन्मा के खुश होने पर ही कालचक्र शुरू हो सकता है। कुछ मंक्स मंत्र जाप और प्रार्थना करते हैं तो दूसरे बड़ी बारीकी से मंडाला का जियोमेट्रिक मैप बनाते हैं। ये एक विशाल पैलेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके 5 तल होते हैं, जहाँ शरीर, मन, वाणी, ज्ञान और परम आनंद निवास करते हैं। मंडाला तांत्रिक बुद्धिज्म की एक पवित्र कला है। कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक सीरीज कालचक्र के यूनिवर्स की जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और साधकों के उच्च ध्यान अवस्था में उतरने का एक टूल भी। इसे बनाने वाले इन मंक्स को रेत के इस मंडाला को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे। मंडाला पैलेस को फ्लावर्स और डॉट से भरा जाता है। बारीक से बारीक चीज का भी एक सिंबॉलिक मतलब होता है। मंक्स चकपुर यानी बारीक डिजाइन्स की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली एक लंबी दांतेदार फनल यूज करते हैं। जहां थेकपू में मंक्स इतने ध्यान से एक एक डिजाइन बना रहे हैं कि वक्त मानो ठहर गया है, तो वहीं कालचक्र किचन में जबरदस्त हलचल है। मंक्स तिब्बती फ्लैट ब्रेड बालेब बनाने की प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। वर्क टेबल्स पर गेहूं के आटे के ढेरों बोरे खाली किए जाते हैं। आटे को गूंदने के लिए कई बाल्टी खमीर मिलाकर पानी इस्तेमाल किया जाता है। किचन इंचार्ज आया लामा राउंड पर है और पक्का कर रहे हैं कि गूंदे हुए आटे में खमीर का असर दिखे। कब बनाया ये? कल शाम को बनाया। सूझबूझ से भरी किचन टीम प्रोसेस में तेजी लाने के लिए एल्यूमिनियम वाटर पाइप्स को रोलिंग पिंस की तरह इस्तेमाल कर रही है। रोल होने के बाद कटिंग टीम हरकत में आ जाती है। इस बीच लोहे के बड़े बड़े तवे भट्टी पर तप चुके हैं, जिनके ऊपर पड़ते ही बालेब्स फूल कर पक जाते हैं। बालेब्स को दोनों तरफ से सिकने में कुछ ही मिनट लगते हैं। लामा और वर्कर्स की टीम के लिए ये दलाई लामा में उनकी आस्था और कालचक्र की शिक्षाएं ही हैं, जो उनमें किचन में घंटों काम करने का जोश भरती हैं। दलाई लामा तो गुरुजी हमारे, बहुत गुरुजी, बारा गुरुजी। बुद्धिस्ट पूरा अति में खाना देना, अति में सर्वे अच्छा करना अच्छा लगता है, पूरा अति में अच्छा लगता है वही। टी वॉलंटियर्स मेन टेंट में सर्व करने पहुंच चुके हैं, पर साथ ही एक दूसरा जत्था एक दूसरी दौड़ शुरू करने के इंतजार में है। इस बार उनके हाथों में है बाले ब्रेड से भरी टोकरियां। मंक्स तेजी से लेन से गुजरते हैं और श्रद्धालु अपने हाथ फैलाकर ब्रेड लेते जाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर पेट भरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं। दलाई लामा के प्रवचन सुनकर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे ये मंक्स और श्रद्धालु अब कालचक्र किचन से आए चाय और ब्रेड से अपने शरीर को तृप्त करेंगे। ये सदियों पुराना रिवाज है। नॉर्मली ये सिर्फ मंक्स को ही सर्व किया जाता है एज अ रेवरेंस, लेकिन हमने तय किया कि इस बार ये पब्लिक को भी
सर्व किया जाए। तो इससे हुआ यह है कि जो तादाद है वो 10 गुना बढ़ गई है, 20,000 से ज्यादा मंक्स और अब 2,00,000 से ज्यादा तादाद में लोग। तो उसकी होलीनेस और कालचक्र की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए आने वाला अगर भूखा होगा तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि उसका ध्यान भटक जाएगा। सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि सबका पेट भरे। हर रोज करीब 2,40,000 बालिप्स बनाई जाती है। इस तरह कालचक्र के खत्म होने तक करीब 29,00,000 ब्रेड्स बनाई जा चुकी होंगी। गर्म चाय में डूबी खमीर वाली ब्रेड भारत की बेरहम सर्दी में पेट को बड़ा सुकून देती है। बोध गया में कालचक्र उत्सव के आधा बीत जाने के बाद किचन में एक नया बदलाव दिखाई देता है। अब यहाँ 100 नंस आ गई है जो उत्सव के आखिरी दिन के लिए सरी या भुने हुए बाले के लड्डू बनाएंगी। बुद्धिस्ट उत्सव कालचक्र 2017 दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। जनवरी की एक और कोहरे में लिपटी सर्द सुबह है और गर्म कपड़े पहने श्रद्धालु मेडिटेशन टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर पूरे भारत से आए तिब्बती बुद्धिस्ट्स पहुंच चुके हैं। दुनिया भर से आए श्रद्धालु भी माहौल में खुद को रमा रहे हैं। थिक्पू में दलाई लामा प्रार्थना करते हैं और सामने मंडाला आकार लेता है। नामग्याल मंक्स का मंत्र जाप माहौल को श्रद्धा से सराबोर कर देता है। मंडाला के बारीक डिजाइन को भरने के लिए चटक रंगों का सैंड पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि यूनिवर्स की इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे नश्वर रेत से बनाया गया है। मंडाला का इस्तेमाल साधक गहरे ध्यान के लिए करते हैं जिससे उन्हें निर्माण के रास्ते में आने वाले स्टेप्स को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। इस बीच कालचक्र किचन में समय का चक्र चलता रहता है। चाय और ब्रेड बनाने और सर्व करने के एक के बाद एक कई दौर हो चुके हैं। ये चक्र दिन में 3 बार के हिसाब से पूरे 12 दिनों तक चलने वाला है। चाय के कड़ाहे इतने बड़े हैं कि इनमें तैरा जा सकता है। सबसे बड़े 4,500 लीटर के हैं, उसके बाद 2 कड़ाहे 3,000 लीटर के और सबसे छोटा 2600 लीटर का। ये सब मिलकर होते हैं चाय के करीब 1,33,000 कप जो एक सेशन में सर्व किए जाते हैं। 600 किचन वॉलंटियर मंक्स चाय के इतने सारे कप सर्व करने को उपासना मानते हैं, यानी मोक्ष का एक और मार्ग। इतने लोगों को चाय पिलाना हर किसी के नसीब में होता नहीं है, तो ये नसीब हमको नसीब हुआ, ये खुशकिस्मत की बात है। वही सोचते सेवा ही करना है बस, और तो करना क्या। उत्सव के खत्म होने तक ये वॉलंटियर्स कालचक्र के विशाल हॉल के न जाने कितने चक्कर लगा चुके होंगे, दिन में कम से कम 6 बार चाय और ब्रेड लेकर। आज 8वां दिन है और रेत से बना मंडाला आखिरकार पूरा हो गया। मंडाला के पूरे होने पर येलो हैट पहने मंक्स मंत्र जाप और प्रार्थना शुरू करते हैं। इसके बाद होते हैं रिचुअल डांसेस। तिब्बती इंस्ट्रूमेंट्स की थाप पर धीमे और लहराते कदमों के साथ हाथों के सटीक हाव भाव या मुद्राएं बनाते हुए कालचक्र उत्सव के विशाल चूल्हों पर यानी मेगा किचन में काम तेजी से चल रहा है। तिब्बती बुद्धिज्म में खाना अंत तक पहुंचने का एक जरिया है। ये निर्माण के रास्ते पर बढ़ते शरीर को ताकत देता है।
उपदेश बताते हैं कि जीवन के किसी भी बीज का नाश नहीं करना चाहिए, इसलिए रूट वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक प्लांट की रूट्स में कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। पहले के मंक्स भिक्षा पर गुजारा करते थे, इसलिए मीट पर कोई कड़ी पाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें इन कसौटियों को नहीं लांघा जाना चाहिए, जो है किसी जानवर का मीट जिसके बारे में किसी को पता हो कि उसे खाने के लिए मारा गया है, जिसे मारे जाते समय किसी ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी हो। मैं जो ये खाना खाता हूँ, न मैं ये अपनी क्या कहते हैं ब्यूटी और न ही हेल्थ के लिए खाता हूँ, बल्कि खाता हूँ इस बॉडी के सर्वाइवल के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकूं, ज्यादा इफेक्टिवली सबको सर्व कर सकूं। ये वही फिलॉसफी है जो काल चक्र की मेगा किचन को राह दिखाती है, और अब जिसकी कमान कुछ बहुत खास मेहमानों के हाथ में है। लेडीज की एक नई टीम आ पहुंची है जो सरी यानी बाले के भुने हुए आटे या संपा से मीठे लड्डू बनाएंगी। लड्डू बनाने के लिए चीनी मक्खन सत्तू दूध चाहिए। सत्तू एक महीने पहले हिमाचल से मंगाया, बाकी दूध मक्खन गया से मैंने। ये लड्डू कलश का पूजा खत्म होने के बाद सबके लिए बनाया। संपा के एक के बाद एक कई बोरे एक वाटरप्रूफ शीट पर खाली किए जाते हैं। नंस ये पक्का करती हैं कि इसमें गांठें ना रहें। बाले का भुना हुआ आटा एक तिब्बती स्टेपल है। आया लामा नंस के काम पर नजर रखते हुए चीनी की पहली बोरी खोलते हैं, जो सैरी को मिठास देगी। नंस तेजी से हाथ चलाते हुए आटे के ढेर में चीनी अच्छे से मिला देती है। आया लामा पिघले हुए बटर को अपने सामने मिक्स होते देखते हैं। किसी भी चीज का न वजन किया जाता है न नापा जाता है, सभी इंग्रेडिएंट्स अंदाजे से डाले जाते हैं। मिश्रण को सही बनाने में तजुर्बा काम आता है। नंस आटे और फैट को आपस में मिक्सचर के दानेदार होने तक मिलाती रहती है। नंस का एक दूसरा जत्था सरी बनाने में जुटा है। मुट्ठी भर आटा लेकर नंस बटरी शुगरी संपा मिक्स के लड्डू बनाती है। क्लोजिंग सेरेमनी से पहले सरी के करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाने हैं। इन्हें तैयार करने में नंस को 6 रातें लगेंगी। सरी लड्डू आखिरी दिन काल चक्र में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बांटे जाएंगे। काल चक्र के आज आखिरी दिन मैदान में और ज्यादा भीड़ पहुंच रही है, और उधर काल चक्र के मेगा किचन में एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। ईस्टर्न इंडिया का बोधगया टाउन, ध्यान और ज्ञान के बुद्धिस्ट उत्सव काल चक्र का आज 12वां और आखिरी दिन है। सूरज से पहले उठकर काल चक्र टेंट में दाखिल होने वालों की कतार लग गई है। हर कोई क्लोजिंग रिचुअल्स देखने की सबसे सही सीट लेना चाहता है। ये मिनी ट्रक्स तेजी से काल चक्र टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे बनाया जाएगा ड्रेसिल, यानी तिब्बत के ज्यादातर धार्मिक उत्सवों में बनने वाला मीठा चावल। प्रसाद बनाने में 5000 किलो चावल इस्तेमाल किए जाएंगे। मीठे चावल बनाने के लिए एक नया क्रू हायर किया गया है, और ये अपना खुद का किचन का सामान लाया है। ये उन मंक्स और श्रद्धालुओं के लिए चावल बनाएंगे जो काल चक्र के मैदान में जमा होने लगे हैं।
सेरी यानी संपा के लड्डुओं से भरी टोकरियां दलाई लामा के हाथों पवित्र होने के इंतजार में उनके स्टेज के सामने रखी जा चुकी है। काल चक्र उत्सव के आखिरी दिन दलाई लामा के स्वागत में ट्रेडिशनल तिब्बती इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। यहाँ मौजूद लोगों के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद पाने का आज आखिरी दिन है। काल चक्र का आखिरी दिन लंबी उम्र की दुआओं की रस्म के साथ पूरा होता है। दलाई लामा और उत्सव में शामिल तमाम लोगों की लंबी और सुकून भरी जिंदगी के लिए प्रार्थना की जाती है। स्टेज के बगल में बैठे हैं शानदार पोशाकें पहने ज्ञानी लोग, जिन्हें आज अपनी भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया है। ये ज्ञानी लोग जैसे ट्रांस में होते हैं। ये दूसरी दुनिया से किसी आवाज के उनसे बात करने से पहले का इंतजार है। किचन में नया क्रू तिब्बती मीठे चावल यानी ड्रेसल बनाने का काम शुरू करता है। नए कुक्स कई भगोनों में खुशबूदार मसालों वाला पानी उबालते हैं। गर्मा गर्म चावलों को सीधे इन टोकरियों में डालकर उनका माड़ निकालते हैं। कल चक्र लास्ट डे में हमारा स्पेशल चावल बनाए, इसी का अंदर काजू बादाम माखन चीनी नारियल किसमें सब डाल के बनाए। दूसरी टीम गार्निशिंग पर काम करती है। छुआरे धोए जाते हैं और सूखे नारियल के लंबे टुकड़े काटे जाते हैं। चावल के ऊपर चीनी, ढेर सारे सूखे मेवे और कई जग पिघला बटर डाला जाता है। और सबसे आखिर में ऊपर से छिड़का जाता है द्रोमा को, तिब्बत में पाए जाने वाली एक मीठी वाइल्ड रूट। स्टेज पर झूमते और नाचते ये निचुंग तिब्बत के शाही भविष्यवक्ता गजब की फुर्ती से थिरकते हैं। इन्हें तिब्बती गवर्नमेंट की हिफाजत करने वाले देवता मानकर इनकी भविष्यवाणी को अहम माना जाता है। वो अपनी बात दलाई लामा के कानों में कहते हैं। किचन में कुक्स अब भी अपने काम में जुटे हैं। गर्मा गर्म मीठे चावल बांटने के लिए छोटी बाल्टियों में डाले जाते हैं। मंक्स एक बार फिर तिब्बती श्रद्धालुओं को सर्व करने के लिए खुशी खुशी दौड़ लगाते हैं। मेगा किचन की लास्ट ऑफरिंग है सेरी संपा लड्डू। ये लड्डू श्रद्धालुओं को बहुत लुभाते हैं। सेरी लड्डू पवित्र प्रसाद होते हैं।
वॉलंटियर मंक्स के लिए ये आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन राउंड है। किचन में उनकी 12 दिन की सेवा अब आखिरी पड़ाव पर है। 12 दिन तक उनकी ये भागम भाग और सेवा आखिरकार खत्म हुई। ये 12 दिन थे कालचक्र उत्सव के, 12 दिन प्रार्थना और ध्यान के, 12 दिन थे दलाई लामा की मौजूदगी में जश्न मनाने के। यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए आज का दिन खास है। हाथों में मोमबत्तियाँ और तिब्बती देवताओं की मूर्तियाँ थामे ये लोग अपने आध्यात्मिक गुरु को अपनी भेंट देने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं 81 साल के दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए, जिन्होंने वतन से दूर रह रहे तिब्बती लोगों के मकसद को दुनिया भर में जिंदा रखा है। इस जगह पर न सिर्फ हाई तांत्रिक टीचिंग्स बल्कि डीप बुद्धिस्ट टीचिंग्स पाना, वो भी दलाई लामा जैसे इंसान से, सच में गजब की ब्लेसिंग है फॉर ऑल ऑफ अस। दूसरे लोगों को खुले दिल से अपनाना उन्होंने सिखाया है, और साथ ही लोगों को समझना और उनके लिए जो हो करना, आई थिंक सबका एक साथ यहाँ होना हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाता ही है, और यही एक्सपीरियंस मैं वापस अपने साथ ले जा रही हूँ अमेरिका। आई फील ब्लेस्ड, पूरी टीम हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, और ये शायद बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कालचक्र था पैमाने को देखते हुए, उस जगह को देखते हुए जहाँ हम हैं। मुझे लगता है जिन्होंने कालचक्र में हिस्सा लिया है वो मोस्ट लाइक लकीस्ट और मोस्ट ग्रेटेस्ट पीपल हैं। ये तीसरी बार है जब मैं कालचक्र में आई हूँ, और हर बार आकर लगता है जैसे मैं बिल्कुल प्यूरिफाई हो गई हूँ। श्रद्धालुओं के लिए कालचक्र उनकी जिंदगी को मायने देने वाला पल है। अब समय घूमकर वहीं आ पहुंचा है, मंडाला को बनाना और फिर इसे मिटा देना कालचक्र उत्सव का सबसे अहम हिस्सा है। नामग्याल मोनेस्ट्री के हेड प्रीस्ट बाहरी सर्कल पर लिखे शब्दों पर अपनी उंगलियां फिराने के बाद मंडाला को 8 हिस्सों में काटते हैं। इस आर्टिस्टिक अजूबे को बनाने में 8 दिन की मेहनत लगी थी, पर इसे मिटाने में 8 मिनट से भी कम का समय लगा। कभी रंग बिरंगा रहस्यमय मंडाला अब बस भूरी रेत रह गया है। ये दिखाता है कि जीवन पानी का बुलबुला है। शांति हो, करुणा हो या प्रेम, तिब्बती बुद्धिस्ट्स के लिए कालचक्र सब जानता है। ये वो चक्र है जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत।